हेलो गाइस, टीके सिनेमा में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड एंड डिस्टेंस हम ट्रेन की देखने वाले हैं कि ट्रेन के से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हमें किस प्रकार से करना है। तो आज इस टॉपिक में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं कि जितने भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसे आप किस प्रकार से सॉल्व करें। तो गाइस, आपको हम इस वीडियो में 6 टाइप बताने वाले हैं कि इन्हीं 6 टाइप पे आपको ट्रेन के ऑल क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चंस होते हैं सब इसी 6 टॉपिक पे बनेंगे। तो आपको इसी 6 टॉपिक को सबसे अच्छे से नोट करना है। उसके बाद गाइस, हमें आपको हर एक टाइप की सवाल बताऊंगी कि आपको इस पे कैसे सवाल करनी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करना है आपको। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि गति और दूरी। तो गाइस, स्पीड और डिस्टेंस जो देखने वाले हैं तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि इसमें ट्रेन की यानी कि ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस किस प्रकार से आपको निकालनी है। इसमें हम ट्रेन की बातें करेंगे कि ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस आपको किस प्रकार से निकालनी है। तो सबसे पहले गाइस, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर यानी कि स्पीड बराबर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड यानी कि गति या फिर चाल बराबर हम कह सकते हैं, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो जब हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो देखिए क्या होगा कि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यानी कि सापेक्ष गति या फिर सापेक्ष चाल हम कह सकते हैं, सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, सापेक्ष दूरी बटे समय। तो ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें सब निकालना है ट्रेन की, यानी ट्रेन पे क्वेश्चंस देखने हैं तो हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, यानी आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए, अब इसमें सवाल किस टाइप से बनती है, तो देखिए पहले सवाल आपको दे दे कि 250 मीटर लंबी ट्रेन, एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया जाए, पहला ऑप्शन 20 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन 25 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया जाए 10 मीटर पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दी जाए 30 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिएगा, इस सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। 250 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो अब आपको पहला पॉइंट नोट करना है, पहला पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट हमने आपको यही बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बताया था, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमेशा आपको क्या करना था, तो चाल किसकी रखनी है, क्योंकि खंभे की कोई चाल नहीं होगी, तो चाल तो हमें स्पीड रखनी है किसकी,
ट्रेन की, और लंबाई किसकी रखनी है, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं होती, यानी दूरी, यानी लंबाई नहीं होगी, दूरी नहीं होगी, तो हमें लंबाई भी ट्रेन की रखनी है बटे क्या है खंभे को पार करने में लगा समय। ये फॉर्मूला रखकर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो देखिए स्पीड हम रखेंगे, स्पीड बराबर ट्रेन की स्पीड बराबर, स्पीड जो होगी वो ट्रेन की होगी, तो देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 250 और समय कितना लग रहा है 10, ठीक है। 250 मीटर लंबी है और समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, ये 0-0 कट गया। यहाँ पर स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड बराबर आई 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड क्या आई, ट्रेन की चाल क्या आई, 25 मीटर पर सेकंड। तो गाइस यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, ट्रेन की चाल आई, ट्रेन की चाल क्या आई, 25 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन क्या करती है, खंभे को पार कर जाती है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस सेकंड नंबर सवाल, देखिए सेकंड नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दें कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है तथा वह किसी व्यक्ति को, वह किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए गाइस पहला ऑप्शन आपको यहां दे दे, देखिए पहला ऑप्शन आपको दे दे 70 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आपको दे दे 75 किलोमीटर पर आवर, एंड थर्ड ऑप्शन नंबर आपको दे दे 72 किलोमीटर पर आवर, एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दे 77 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए गाइस सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 180 मीटर लंबे किसी पुल को 90 सेकंड में वह पार कर जाती है, जबकि किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपको पता है कि यह बात क्या कर रहा है कि पुल या पुल या फिर किसको पार कर रहा है, जब पुल या फिर प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाते थे कि ट्रेन की स्पीड, स्पीड लिखनी है, ट्रेन की लंबाई जो होगी ट्रेन की बटे टाइम, ठीक है, ये हमें इस फॉर्मूले पर रखना है। तो ट्रेन स्पीड देखिए यहाँ पर क्या, लंबाई ट्रेन की कितनी दी गई है 200 मीटर और किसी व्यक्ति को पार कर रहा है 10 सेकंड में, ठीक है, यहाँ से 1-0 कट गया। स्पीड ट्रेन की कितनी आई 20 है, ये 20 क्या आई मीटर पर सेकंड में आया, 20 क्या आया मीटर पर सेकंड में आया, बट हमें क्या चाहिए किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 20 को 20 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। तो देखिए 20 मीटर पर, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 18/5 से, ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, 20 को गुणा कर दीजिए 18/5 से, तो 18/5 से इसको गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, इसको काट दीजिए 5 × 5 = 20, ठीक है, 18 × 4 कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये किसमें चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, तो ये क्या आया स्पीड ट्रेन की क्या आई 72 किलोमीटर पर आवर आया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होता है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए गाइस थर्ड नंबर सवाल, देखिए गाइस थर्ड नंबर सवाल आपसे क्या कहती है, देखिए थर्ड नंबर सवाल दे दे कि एक टेलीफोन के खंभे को 270 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार कर जाती है
ट्रेन की चाल क्या होगी? तो देखिए गाइस, पहला ऑप्शन आपको दे दे 50 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड ऑप्शन नंबर आपको दे दे 60 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन नंबर आपको दे दे 54 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दे 52 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाइस, अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन के खंभे को 270 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको बताया कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो देखिए आपको पता है कि स्पीड ट्रेन की रखनी है, लंबाई भी ट्रेन की रखनी है, बटे टाइम रखना है। तो स्पीड देखिए, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड, यहाँ पर लंबाई ट्रेन की कितनी दी गई है, तो देखिए 270 किलोमीटर, 270 मीटर दी गई है, तो 270 मीटर। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 18 सेकेंड, ठीक है। ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए ये क्या हुआ, 270 क्या दी गई है, लंबाई दी गई है, समय कितना दिया गया, 18 दिया गया, 18 सेकेंड। तो देखिए 18 एकम 18 18 से इसको काटेंगे तो ये 15 18 15 अम्मा कितना होगा, 270। ये क्या आया, 15 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक। ये क्या आया, 15 मीटर पर सेकेंड, बट हमें क्या ज्ञात करना है, इसको किलोमीटर में निकालना है, ठीक। मीटर में नहीं पूछा है बल्कि ये किलोमीटर में पूछा है, तो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो काट देंगे 5 एकम 5 5 3 15, ठीक। अब 18 3 कितना होता है, 54 54 किलोमीटर पर आवर। यहां से देखिए आपका आंसर क्या आया, 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज आपको देखिए कि अब चाल निकालनी है ट्रेन की, चाल किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ट्रेन की चाल पूछता है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको बताया गया कि खंबे, अगर खंबे की बात करता है तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद करना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, कि फर्स्ट पॉइंट था कि ट्रेन की स्पीड लेनी है, ट्रेन की लंबाई लेनी है, और समय किसकी लेनी है, ट्रेन का समय लेना है, जो खंबे को पार करने में लगा समय होगा वो समय रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आया, 54 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। तो आई थिंक गाइज आपको ये सवाल समझ में आ रही होगी, तो चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देखिए गाइज थर्ड पॉइंट, इसमें देखिए गाइज थर्ड पॉइंट आपको दे दें कि जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करे तो, देखिए गाइस थर्ड पॉइंट क्या बना कि जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करे, ठीक है। तो देखिए एक तरफ तो मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये मैन है, ठीक है। तो देखिए आपको बताया कि ट्रेन की लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई भी होती है और ट्रेन की स्पीड भी होती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड दोनों होती है, लेकिन अगर आदमी की बात करें तो आदमी की स्पीड तो होती है, ठीक है, आदमी की स्पीड तो होती है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैन की लंबाई नहीं होती है, ठीक है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैन की लंबाई नहीं होती है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें देखें तो इसमें तो देखिए जब आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की स्पीड दोनों होती है, मैन की ओनली स्पीड होती है और ट्रेन के सापेक्ष में, यानी ट्रेन के उसमें इसकी लंबाई नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा कि ट्रेन की, देखिए स्पीड तो आपको पता है कि दोनों की होगी, तो स्पीड तो ट्रेन की भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी यदि सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो जो स्पीड होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पर देखिए ट्रेन की स्पीड माइनस स्पीड किसकी, मैन की। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, लंबाई ओनली किसकी होती है, ट्रेन की, तो लंबाई ट्रेन की लेनी है। और यहाँ पर क्या है,
ठीक है। टी क्या है, ट्रेन को आदमी को पार करने में लगा समय, क्योंकि देखिए आपको पता है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है सापेक्ष दूरी, बटे समय, ठीक है। तो इस पे हम रखेंगे तो देखिए क्या है, ये सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करे तो सेम डायरेक्शन है, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि स्पीड दोनों की माइनस करनी है, उसके बाद लंबाई ओनली ट्रेन की होती है और ट्रेन को आदमी को पार करने में लगा समय लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको दे दे, देखिए इसी में हम आपको बता दें कि अगर इसी में अपोजिट डायरेक्शन दे दे, यहाँ पर आपको सेम डायरेक्शन दिया हुआ था, अब यहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन दे दे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको याद रखना स्पीड हमेशा प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ट्रेन की यदि मतलब जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है, मान लीजिए ट्रेन इधर से आ रही है और मैन इधर से आ रहा है, ठीक है। ट्रेन इधर से जा रही है, ये हमारी ट्रेन हो गई और ये हमारा मैन हो गया, ठीक है। तो ट्रेन इधर से आ रही है, मैन इधर से, तो ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन हो गया, कि ये किस साइड से आ रहा है, किस साइड से, तो ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में हमेशा आपको याद रखना कि स्पीड जो होगी ट्रेन की प्लस स्पीड मैन की, दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक है। बराबर लंबाई तो ओनली ट्रेन की होती है और ये मैन को पार करने में लगा समय ट्रेन का, ठीक है। जो ट्रेन को मैन को पार करने में लगा समय है वो लिखा जाता है नीचे समय के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ से ये हमारा क्या बन गया फोर्थ पॉइंट, कौन सा, जब हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये हमेशा स्पीड जो होगी माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड हमेशा प्लस हो जाएगी। तो देखिए गाइस अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए गाइस फाइव पॉइंट, देखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट आपको क्या दे दिया, जैसे फिफ्थ पॉइंट हो जाता है इसमें जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो, ठीक, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रेन की बात की जा रही है, मान लीजिए ये फर्स्ट ट्रेन है और ये हमारी सेकंड ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन ये सेकंड ट्रेन। तो देखिए आपको पता है कि क्या है कि जब यहाँ पर ट्रेन दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन की लंबाई तो इसकी भी होती है और लंबाई इसकी भी होगी, ठीक है। स्पीड पहली ट्रेन की भी होती है, स्पीड दोनों ट्रेन की होगी, यानी सेकेंड ट्रेन की भी स्पीड होगी। तो आपको पता है कि सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष दूरी बटे क्या होता है समय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तो देखिए दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में, ये फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकेंड ट्रेन है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन है, आपको बताया कि जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो देखिए जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो यह होगी, स्पीड को हम क्या करेंगे हमेशा माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन है क्योंकि ये भी ट्रेन इस साइड से आ रही है, ये वाली ट्रेन भी इस साइड से आ रही है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में आपको हमेशा याद रखना है कि स्पीड को हमें माइनस करना है। तो देखिए आपको बताया कि दोनों ट्रेन की लंबाई होती है और दोनों ट्रेन की स्पीड होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला क्या बनेगा कि स्पीड तो हमें मान लीजिए फर्स्ट ट्रेन ए मान लेते हैं, फर्स्ट ट्रेन की अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी दोनों की स्पीड और सेकेंड ट्रेन की स्पीड, फिर बराबर क्या लंबाई दोनों की यदि है तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए लंबाई फर्स्ट ट्रेन की प्लस लंबाई सेकेंड ट्रेन की बटे क्या है
ट्रेन को एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में जो लगा समय होगा वो नीचे लिखा जाएगा ये समय के स्थान पे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें सिक्स पॉइंट क्या बनता है, लास्ट पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमने थर्ड पॉइंट देख लिया, देखिए फोर्थ पॉइंट इसमें क्या बनता है। देखिए जब सिक्स पॉइंट क्या होगा, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन किस टाइप से, एक ट्रेन इस साइड से आए दूसरी ट्रेन हमारी इधर से आए, ठीक है। मान लीजिए दूसरी ट्रेन ऐसे आती है तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेन हो गई और ये क्या हो गया, सेकेंड ट्रेन हो गई। तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से, तो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो आपको पता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड हमेशा प्लस हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, तो आपको पता है कि सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखिए आपको अब इसमें देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड देखिए दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, स्पीड पहली ट्रेन की प्लस स्पीड दोनों दूसरी ट्रेन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी। लंबाई फर्स्ट ट्रेन की प्लस लंबाई सेकेंड ट्रेन की बटे ट्रेन को दोनों ट्रेन को आपस में पार करने में लगा समय। तो जो दोनों ट्रेन आपस में को एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो लगने में सब जो लगता है समय वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि खड़ा आदमी हमेशा खंभे के समान होता है, एक खड़ा आदमी हमेशा खंभे के समान होता है। तो देखिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सवाल कैसे बनती है, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए गाइस फोर्थ नंबर सवाल आपसे इस तरीके से कहे कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर 60 मीटर घंटे, ठीक है, 60 किलोमीटर घंटे 60 किलोमीटर घंटे हो, तो 180 मीटर लंबी, ठीक है, 180 मीटर लंबे लंबे 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए गाइस पहला ऑप्शन नंबर आपको दे दे 10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन नंबर दे दे 12 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन नंबर आपको यहां से दे दे 18 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दे 20 सेकेंड। तो देखिए गाइस सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 10 क्या है 120 मीटर है, गाड़ी क्या चल रही है 60 किलोमीटर घंटे 60 किलोमीटर घंटे हो, तो चाल जो उसकी क्या हो 60 किलोमीटर घंटे हो, तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए गाइस इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या है आपको इसमें थर्ड सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना था कि सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमने लिखवाया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, ट्रेन की भी लंबाई होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है।
स्पीड हमें रखनी है ट्रेन की, लंबाई किसकी रखनी है ट्रेन की, प्लस लंबाई रखनी है प्लेटफॉर्म की, बटे समय क्या रखना है प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, ये रखना है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें पता है ट्रेन की स्पीड यहाँ पर दी गई है, ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर घंटा दिया गया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई है 120, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है प्लस 180, और बटे क्या दिया गया है टाइम, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360, तो ये हम करेंगे 360, अगर इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, तो देखिए 5 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो टाइम हमारा क्या आया 5, तो 5 को अगर हम मीटर, ये 5 क्या है मीटर में है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 से पूरा करेंगे ठीक है, 5/18/300/T टाइम निकालना है। तो अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए तो ये कैसे कितना हो जाएगा, तो टाइम हमारा कितना है 60 ठीक है। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो ये कैसे कटेगा, 10 से यहाँ से काट दिए, 5 6 30, और ये 30 कट गया, तो टाइम बराबर हमारा क्या आया 18 सेकेंड, टाइम यहाँ से क्या आया 18 सेकेंड। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपको बताया 18 सेकेंड लगेगा। तो आई थिंक गाइज आपको ये सवाल समझ में आई होगी। तो गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और गाइज आपको इस टॉपिक से यानी किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।